నీకు సూర్య అంటే సోల్జర్, కానీ ప్రపంచానికి సూర్య అంటే యాంగర్. फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में. तो दोस्तों, आज से हम एक नए टाइप का वीडियो सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसे हम हर बड़ी फिल्म के पहले अपलोड करेंगे, जहां पर अगर हमें किसी फिल्म में ऐसी कुछ खास बातें नजर आएंगी जो उस फिल्म को कुछ खास या अलग बनाती है, जिसे फैंस के साथ साथ न्यूट्रल ऑडियंस को भी देखने जानी चाहिए, तो हम उस पर एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसपे हम आपको बताएंगे कि उस फिल्मों में ऐसी क्या पांच बातें हैं जिसके कारण सभी लोगों को उस फिल्म को देखने जाना चाहिए. और उन वीडियोस के कमेंट्स के थ्रू हम आपसे जानेंगे कि आप उस फिल्म के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, उन फिल्म से आपको कितनी एक्सपेक्टेशन है. तो इस टाइप के वीडियो हमारे चैनल पर पहली बार अपलोड हो रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा ये वीडियो पसंद आएगा या फिर इसको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, तो हम आगे भी इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे. अगर आपकी किसी फिल्म के लिए फ्यूचर में रिक्वेस्ट रहेगी कि उस फिल्म के लिए हम ऐसे वीडियो बनाएं, तो हम उससे वीडियो जरूर बनाएंगे. तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं पांच ऐसी खास बातें जो अल्लू अर्जुन की फिल्म ना पेरू सूर्या ना एलू इंडिया को खास बनाती है. और इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, जिसके जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा. అన్ని ఇండియా లేవరా మనకి, ఒక్కటే ఇండియా. तो दोस्तों, ना पेरू सूर्या को जो सबसे खास बनाती है, उसकी पहली वजह है अल्लू अर्जुन. अगर आप अल्लू अर्जुन के फैन हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाएंगे. पर अगर आप एक न्यूट्रल ऑडियंस है, न्यूट्रल साउथ मूवी फैन है, फिर भी आपको ये फिल्म अल्लू अर्जुन की एक्टिंग के लिए जरूर देखनी जानी चाहिए, क्योंकि ट्रेलर से ये कन्फर्म हो चुका है कि ये फिल्म में अल्लू अर्जुन अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले हैं. वैसे तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री अभी अपने गोल्डन पीरियड में चल रही है, जहां पर महेश बाबू की भरत ने नेनू और रामचरण की रंगस्थलम, इन दोनों ही फिल्मों में दोनों ही सुपरस्टार्स ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है. और अल्लू अर्जुन की फिल्म ना पेरू सूर्या में अल्लू अर्जुन पहली बार नजर आने वाले हैं एज अ आर्मी ऑफिसर. तो बस मेरे हिसाब से तो ये एक ही पॉइंट काफी होना चाहिए इस फिल्म के लिए किसी को भी एक्साइटेड करने के लिए. कहानी खड़का दो, बॉर्डर के सच पता ना. दूसरी वजह जो इस फिल्म को खास बनाती है, वो है इस फिल्म का डायरेक्टर वंकटम वंशी. पहली बार डायरेक्शन में हाथ आजमा रहे वंकटम वंशी इससे पहले रेस गुर्रम, टेम्पर और किक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए कहानी लिख चुके हैं. तो इस बार इस फिल्म में उनका डायरेक्शन देखने के लिए काफी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है. तीसरी वजह जो ना पेरू सूर्या को खास बनाती है, वो है इस मूवी का स्टार कास्ट. मूवी के जो लीड एक्टर हैं, उनकी अपनी ही एक अलग पहचान है. मूवी की हीरोइन को छोड़ दिया जाए, तो इस मूवी का जो स्टार कास्ट है वो बहुत ही तगड़ा है, जिसमें अल्लू अर्जुन के साथ आपको नजर आने वाले हैं बमन ईरानी, अनूप सिंह ठाकुर, अर्जुन सरजा और राव रमेश, जो फिल्म में कभी भी किसी भी जगह पर जान डाल सकते हैं. आउट ऑफ ऑर्डर मींस आउट ऑफ द आर्मी. चौथी वजह जो इस मूवी को खास बनाती है, वो है इस मूवी का म्यूजिक, जिसे दिया है विशाल शेखर ने. मूवी के पहले गाने सैनिका ने जो धमाल मचाया था, वो आप सभी को याद ही होगा. इस फिल्म के तीन गाने सैनिका, आई एम अ लवर ऑल्सो, फाइटर ऑल्सो और द ब्यूटीफुल सॉन्ग पहले ही सुपरहिट हो चुके हैं और काफी लोगों को इर्गा इर्गा सॉन्ग भी पसंद आ रहा है. I'm a lover also, fighter also. पांचवी वजह जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं, वो है इस फिल्म की स्टोरी. अल्लू अर्जुन की जो पिछली दो फिल्में थी डीजे और सराय नडू, दोनों ही एक एक्शन पैक कमर्शियल फिल्म थी. तो क्या हमें यहाँ पर इस फिल्म में कुछ अलग, कुछ हटके देखने को मिलेगा? क्या इस फिल्म में होंगे चौंका देने वाले ट्विस्ट? क्या इस फिल्म में होंगे वो इमोशनल सीन्स जो आपको रुला देंगे, जो कि लगभग काफी सारी देशभक्ति वाली फिल्मों में देखने को मिलता है? तो यार, मैं यहाँ पर इस फिल्म की स्टोरी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. वैसे ये फिल्म हिंदी में तो रिलीज अभी फिलहाल 4 मई को तो नहीं होने वाली है. आने वाले दिनों में ये फिल्म हिंदी में रिलीज होगी या नहीं, इस पर भी अभी तक कोई कंफर्म न्यूज नहीं आया है. जो भी होगा हम अपने चैनल पर आपको बता देंगे. और ये फिल्म सबटाइटल के साथ रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है, वो भी हम आपको अपने रिव्यू में बता देंगे, ताकि जो लोग सबटाइटल्स के साथ कंफर्टेबल होते हैं वो इस फिल्म को देखने जा सके. तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप में से कितने लोग इस फिल्म को पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाने वाले हैं. अगर ये फिल्म सबटाइटल्स के साथ रिलीज होती है, तो क्या आप लोग इस फिल्म को तेलुगु में देखोगे या फिर आप वेट करोगे हिंदी रिलीज का? और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन कितना होने वाला है. तो दोस्तों, यही तक था आज का हमारा वीडियो. वैसे मैंने तो पूरी प्लानिंग कर ली है इस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की. वैसे मेरे शहर के जो शो टाइमिंग्स है वो अभी तक नहीं आए हैं. उम्मीद करता हूं कि 9 बजे के आसपास का शो मुझे मिल जाएगा, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द इस फिल्म का रिव्यू दे दूं.
तो दोस्तों यहीं तक था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।